जी हाँ श्रोता भगवान, अभी आप लोग सुन रहे हैं रियल स्टूडियो द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर मधेपुरा बिहार रिकॉर्डिंग रविंद्र राणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7631-5693। गायक राधे श्याम जी के माध्यम से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7549-55-98-94। यहाँ उत्तर बिहार की गरिमामयी अनूठा संस्कृति हर किसी को अपनी ओर खींचती है। इसी संस्कृति का एक इंद्रधनुषी कृति हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री सुभाष भगता प्रसवन्नी बिहार राज्य लोक गाथा भागवत के महामंत्री श्री राम भरोस पंजार बहुरवा के आशीर्वाद से डॉक्टर दिनेश पंजार द्वारा रचित श्री सुधीर संगम के संगीत निर्देशन में बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2015 के प्रथम पुरस्कार विजेता श्री राधेश्याम पंजार जी के स्वर में। तो आइए सुनते हैं बाबा बेनी प्रसंग आल्हा भगत, और इनमें सहयोग कर रहे हैं श्री रोशन कुमार उर्फ लाल कुंजी, बबलू कुमार बादल एवं भरत कुमार भारती, और इन सबको दिशा निर्देशित कर रहे हैं मनोज सर। लगे निज मकान राधे श्याम पंजार नाम है मेरा, करु धर्म की आज बखान गुरु चरणों में ध्यान लगा के, श्रोता भगवान को करु प्रणाम कथा सुनाऊं भक्त बनी की, सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए कथा सुनाऊं भक्त बनी की। सुनाऊ बाबा बेनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए, सौख मोहिन के बासी बाबा 64 वन में दिया बथान, नित दिन बाबा गाय चराबे, करे बनी जगदम्मा का ध्यान घर में इनकी बूढ़ी रे माता, घर में इनकी बूढ़ी रे माता धर्म कर्म में बड़ी महान, बनी माँ को रोज चढ़ावे खीर दूध और पकवान, यहाँ की कथा यहाँ छोरो आगे की और सुनो बखान, यहाँ की कथा यहाँ छोरो। एक दिन दाता धर्मराज बोले सुनो पवन वीर हनुमान, अंधू के घर बहुत हुआ अब खोजो नया पजियार महान, जिनके घर में दूध ही दूध हो, दूध का ही मिले पकवान, सत करे और सत ही बोले, जप सके हरदम सतनाम, ऐसा पजियार ढूंढ के लाओ, हे पवन वीर हनुमान। बाबा धनराज की वाणी सुनकर, बाबा धनराज की वाणी सुनकर बोले पवन वीर हनुमान, भारत वर्ष उत्तरखंड है एक सुंदर मिथिला धाम, जहाँ एक अद्भुत गांव विराजे, सौख मोहिन है प्यारा नाम, सौख मोहिन के वासी है वो बेनी यादव, जिसका नाम नितिन है वो गाय चराता, 64 वन में है बथान, है वो पजियार बनाने लायक, इसके जैसा न कोई महान, यहाँ की कथा यहाँ छोरो आगे की अब सुनो बखान, यहाँ की कथा यहाँ छोरो। तो सतवन में पहुंच गया जब धर्मराज संग हनुमान, श्वेत चदरिया कान के सोया, जहाँ बेनी यादव महान हवा की रूख उल्टा कर दिया,
हवा के रुख उल्टा कर दिया 64 वन में जब हनुमान तनी चदरिया मुख से उड़ गई। देखा जब चांद समान खुश होकर धनराज बोले तब सुनो पवन वीर हनुमान चल चल कर गंगा तट पर कर माया का निर्माण यहाँ की कथा यहाँ छोड़ो आगे की अब सुनो बखान यहाँ की कथा यहाँ छोड़ो। देर आने में बनी को बोले धर्मराज भगवान है यही ज्ञानी यह वाला किससे बचना है हनुमान 64 बन की शान है बेनी 64 बन की शान है बेनी गैया इसकी कई महान अद्भुत शक्ति से उसे यहाँ लाओ। हे पवन वीर हनुमान धरा महत्ता रहे धर्म से ऐसा बेनी भक्त महान कथा सुनाऊं भक्त बेनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए कथा सुनाऊं भक्त बेनी की। अपनी शक्ति देख हनुमान ने फैला दिया आंधी और तूफान हाहाकार मचा 64 में कैया शोर करे घमसान उजरी चदरिया तन से उड़ गई जाग उठा बेनिया द महान गैया उसकी भाग रही थी गैया उसकी भाग रही थी पीछे पीछे बेनिया द महान व्याकुल होकर बाबा बेनी ने या बनी जगदम्मा का ध्यान सुगा रूप में माता आई चोच खोल कर करे बयान माता बोल परी बेनी से माता बोल परी बेनी से सुनो है बेनी भक्त महान जगत के जननी हूँ जगदम्मा जिसका तुमने क्या है ध्यान क्या मुसीबत आन पड़ी है हे यदुवंशी वीर महान दुखराय अपना मुझे सुनाओ साखु मोहि के सपुत महान माता की वाणी सुनकर बोले माता की वाणी सुनकर बोले बेनी यादव मन हर्षाय आँखों दिखा हाल सुनाओ सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए गंगा तट पर देखो माता या कैसा है तंबू तलान यह मुगल की चाल है कोई यह मुगल की चाल है कोई या है माया का निर्माण कथा सुनाऊं भक्त बनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए कथा सुनाऊं भक्त बनी की। माता जगदम्मा दिए मंद मंद मुस्काए एक एक पल खोल खोल के बनी बनी को दी समझाए मुगल की यह चाल नहीं है मुगल की यह चाल नहीं है ना है माया का निर्माण साक्षात धर्म राज है बेनी संग में पवन वीर हनुमान गंगा जी के जल से तुझको गंगा जी के जल से तुझको आज जपाएगा सतनाम धन की पनियर तुम कहलाना। हे यदुवंशी वीर महान कथा सुनाऊं भक्त बनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए कथा सुनाऊं भक्त बनी की। रखना बेनिया है छलगरिया भगवान जिस जिसको पनियार बनाया
मिटा है उसका कुल खानदान, पहले इससे सत कराना फिर जपना आगे सपना, माता की तू बातिया रखना फिर जपते रहना हर नाम, कथा सुनाऊ भक्त बनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए, कथा सुनाऊ भक्त बनी की गंगा जी के जल में जो ही गया बनी यदुवंशी महान, प्रगट हुए धर्मराज वहां पर सात पवन वीर हनुमान, सबके बंधन से बांध बनी को बोले धर्मराज भगवान, धर्म की पंजियार बन जा बेनी, धर्म की पंजियार बन जा बेनी, जब तू आज यहाँ सतनाम युग युग तेरा नाम चलेगा, हे यदुवंशी वीर महान धर्मराज की वाणी सुनकर, धर्मराज की वाणी सुनकर बोले बेनी यदव महान भगवान पहले सत करो तू, फिर जपेंगे हम सतनाम यदुवंशी के हटके आगे, झुक गया धर्मराज भगवान, धर्मराज ने सत्कर बोले मांगो बेनी तुम वरदान, जमन सफल कर लो यदुवंशी, जन्म सफल कर लो यदुवंशी, हो जाएगा तेरा कल्याण, कथा सुनाऊ भक्त बनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए, कथा सुनाऊ भक्त बनी की महान, हाथ जोड़ कर बोले यदुवंशी हे अंतर्यामी हे भगवान, जिस जिसको पनियार बनाया, जिस जिसको पजियार बनाया, मिटा है उसका कुल खानदान, इसी डर से मांगता हूँ बाबा हाथ जोड़ कर तीन वरदान, पहला वर मैं मांगू बाबा मिटे न मेरा कुल खानदान, मेरे वंश को छोड़ के बाबा ना दू जप जियार महान, सख मोहिन के बासी खुश हो, सख मोहिन के बासी खुश हो, मृत्यु का न हो नाम निशान, ऐसा पर जब दोगे स्वामी तभी जपूंगा मैं सतनाम, कथा सुनाऊ भक्त बनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगाए, कथा सुनाऊ भक्त बनी की भगवान, तीनों वर देकर बेनी को बना लिया पजियार महान, कथा लिखे हैं डॉक्टर दिनेश जी, कथा लिखे हैं डॉक्टर दिनेश जी, बेनी के पहलू सुलझा राधे श्याम की कोकिल वाणी, भक्ति रस का अलख जगाए, कहे श्याम जी सुनो ये श्रोता, कहे श्याम जी सुनो ये श्रोता, मुख से लो बेनी का नाम, भज जो भक्ति भाव से इसको होगा उसका सब फल सब काम, कथा सुनाओ भक्त बेनी की सुनो रे भक्तों ध्यान लगा, कथा सुनाओ भक्त बेनी की